आरजेएस टूल के अंदर इस वाले चीट कोड को एक्टिवेट करके आप भी इस वाले हाउस को स्पॉन करवा सकते हो और इसके अलावा बहुत सारे हाउस को स्पॉन करवा सकते हो। और गाइस यहां पर तुम लोग देख सकते हो मैं इस वाले रैम को यहां पर कैसे लाया और गाइस यहां पर कैसे कुछ कंटेनर वगैरह में लाया हूं, तो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत ही खतरनाक वाला अपडेट आया है, तो लेट्स गो गाइस। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली अपने गेम के अंदर आ चुका है न्यू वाला अपडेट। और गाइस इस अपडेट में भाई 40 से भी ज़्यादा आरजेएस टूल के चीट कोड आए हैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पर अपना आरजेएस टूल ओपन करना है, उसके अंदर आपको टाइप करना है H1। तो जैसे आप H1 टाइप करोगे उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर आ गया है न्यू वाला हाउस। तो इस वाले हाउस को आप यहाँ पर कहीं भी स्पॉन करवा सकते हो, मतलब कहीं भी इसको लगा सकते हो, सेट कर सकते हो आसानी से। और फिर आप चाहते हो कि गाइस आप बार बार इसे हिले ना, तो इसके लिए भी आपको एक चीट कोड मिल जाता है। तो फिर से यहाँ पर आपको आरजेएस टूल के अंदर लिख देना है मोड ऑफ। तो गाइस यहाँ पर कुछ मोड ऑफ आपको लिख देना है। और गाइस अगर आप चाहते हो इसको सही से सेट करना, तो मोड ऑन लिख के आप यहाँ पर आसानी से उसको सेट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको हाउस यहाँ पर एक नहीं मिलता है, पूरे के पूरे 10 हाउस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने H10 एक्टिवेट किया, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा दूर जाके हम इसको एक्टिवेट करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो ये कुछ अपना हाउस 10वां वाला हाउस है। तो यहाँ पर आपको कुछ 10 हाउस देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा गाइज यहाँ पर आपको बिल्डिंग्स भी देखने को मिल जाएगी ऐसे ही कुछ। तो बिल्डिंग्स के लिए हमको B1 टाइप करना है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने B1 टाइप कर दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ अपनी फर्स्ट वाली बिल्डिंग है जो कि आ चुकी है। उसके अलावा आपको यहाँ पर B10 तक आपको बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी, जिनको आप आसानी से ट्राई कर सकते हो, इनको कहीं भी आप लगा सकते हो। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर B10 टाइप किया और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा दूर जाके यहाँ पर मैंने स्पॉन करवाया, तो देख सकते हो यहाँ पर यह कुछ 10वीं बिल्डिंग है। तो यहाँ पर ऐसी कुछ आपको बिल्डिंग्स देखने को मिलती है 10 कुछ। तो गाइस अगर आपको यहाँ पर डेकोरेशन के लिए ट्री वगैरह स्पॉन करवाना है, तो वो भी आप करवा सकते हो। तो ट्री के लिए यहाँ पर आपको T यूज़ करना है, तो T1 से आपको ट्री देखने को मिलेगा। उसके अलावा T2 से भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर T6 तक आपको 6 ट्री देखने को मिलेंगे कुछ, जिनको आप स्पॉन करवा के कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो ये थोड़े बहुत और ट्री है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कुछ उनको लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैंने T4 टाइप किया, उसके बाद यहाँ पर जैसा कि जुरासिक पार्क के अंदर हमको ट्री देखने को मिलता है, वो यहाँ पर आ चुका है। उसके अलावा यहाँ पर आपको T5 टाइप कर देना है, उसके बाद इससे थोड़ा बड़ा वाला ट्री आ जाएगा। और लास्ट है अपना T6। तो जैसे आप T6 ट्राई करोगे, आप यहाँ पर लास्ट वाला जो कि ट्री है वो आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ा वाला ट्री है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आरजेएस टूल के चीट कोड की तरफ। उससे पहले देख लेते हैं आखिर हमको T7 भी ट्री देखने को मिलता है या नहीं। तो गाइस आपको T6 तक ट्री देखने को मिलते हैं। हाँ, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट चीट कोड की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट चीट कोड है अपने वॉल का। तो यहाँ पर वॉल 1 आपको कुछ टाइप कर देना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी वॉल आ जाएगी। उसके बाद आप कुछ भी क्राफ्ट कर सकते हो इसकी मदद से। और उसके बाद आपको वॉल 2 भी देखने को मिल जाएगी, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ हमको 2 वॉल देखने को मिलेगी। हाँ, तो गाइज अभी तो ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे चीट कोड बाकी है। तो जैसे कि यहाँ पर फिर से आरजेएस टूल ओपन करना है, वहाँ पर आपको टाइप कर देना है हेलीकॉप्टर या हेलीकॉप्टर कुछ भी आपको टाइप कर देना है इन दोनों में से। तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर मैंने टाइप कर दिया है, तो यहाँ पर आपको 2-3 बार उसको कुछ टाइप कर देना है। उसके बाद आप आसमान में देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे हेलीकॉप्टर आ जाएंगे, पर पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आए। तो एक बार और ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि भाई पता नहीं वो लेट आते हैं, इसलिए आपको 1-2 बार और कर देना है। हाँ, तो अब शायद से आ चुके होंगे। तो हाँ गाइज यहाँ पर देख सकते हो आप आसमान में कैसे फ्लाई कर रहे हैं, ये तो गाइज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आरजेएस टूल के चीट कोड की तरफ। तो बाकी ये कुछ देख सकते हो। हाँ, तो गाइज नेक्स्ट चीट कोड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। इसके लिए फिर से आपको आरजेएस टूल ओपन करना है और उसके अंदर आपको टाइप करना है रैंप। तो आपको रैंप 1 आपको टाइप करना है। तो यहाँ पर रैंप 1 आप जैसे ही टाइप करोगे, उसके बाद आप देख ही सकते हो यहाँ पर कुछ आपका रैंप आ जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आरजेएस टूल के चीट कोड की तरफ। तो ये गाइस बहुत ही खतरनाक चीट कोड होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक्टिवेट करना है P1। तो जल्दी से यहाँ पर P1 एक्टिवेट कर देते हैं। हाँ, तो गाइस P1 एक्टिवेट करने से आपको ये कुछ लाइट देखने को मिल जाएगी, और P2 एक्टिवेट करने से आपको ये कुछ देखने को मिल जाएगा जो कि ट्रैफिक वगैरह में होते हैं। उसके अलावा आपको P3 एक्टिवेट कर देना है। तो गाइस जैसे P3 एक्टिवेट करोगे, ये कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे, इनके नाम वगैरह मेरे को पता नहीं है। और अगर आप P4 एक्टिवेट करोगे, उसके बाद आपको ये ट्री लगाने का वो देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा P5 एक्टिवेट करना, उसके बाद P5 से आपको डस्टबिन देखने को मिल जाएगा। और गाइस यहाँ पर P6 से आपको एक्टिवेट कर देना है। तो यहाँ पर आपको P10 तक वैसे कुछ देखने को मिलेगा,
तो जल्दी से P7 एक्टिवेट कर लेते हैं, उससे हमको क्या देखने को मिलता है देखते जल्दी से। तो यहाँ पर P7 एक्टिवेट कर लिया है, तो ओके यहाँ पर डस्टबिन हमको देखने को मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट वाले। तो चलो गाइस बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट चीट कोड की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट चीट कोड है अपना P8। तो P8 से आपको ये कुछ देखने को मिलेगा, उसके अलावा P9 एक्टिवेट करने से आपको फ्यूज बॉक्स देखने को मिलेगा, और P10 से आपको बड़ा वाला फ्यूज बॉक्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर P10 जल्दी से यहाँ पर एक्टिवेट कर लेते हैं। तो जैसे आप P10 एक्टिवेट करोगे उसके बाद आप देख सकते हो बड़ा वाला फ्यूज बॉक्स आ चुका है। और गैस अगर आपने कुछ बिल्ड किया है यानी कि कुछ भी स्पॉन करवाया है उसको वहीं पर सेव करना है, तो यहाँ पर आपको सेव डेटा लिख देना है एडजस्ट टूल के अंदर। तो यहाँ पर सिंपली सेव डेटा टाइप कर देना है, तो यहाँ पर सेव और डेटा टाइप कर देना है, उसके बाद ये सब कुछ सेव हो जाएगा। अगर आप गेम को रिस्टार्ट करके भी आओगे तो ये यहीं के यहीं रहेंगे। तो ये वाला भाई बहुत ही खतरनाक अपडेट आ गया है भाई, बहुत ही सारे चीट कोड्स आए हैं। तो इसी बात पे गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं किया है तो। हाँ तो गाइस अब मैं आपको एक खतरनाक सी चीज़ बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको रैंप वगैरह कुछ भी स्पॉन करवा लेना है, तो यहाँ पर मैंने रैंप को स्पॉन करवा लिया है। तो अभी रैंप 1, हाँ तो गाइस यहाँ पर आपको रैंप 1 कुछ टाइप करना है अगर रैंप को स्पॉन करवाना है तो। हाँ तो यहाँ पर रैंप आ चुका है। अगर गाइस मेरे को इसको कहीं भी मूव करना है, अगर मेरे को यहाँ पर सही नहीं लग रहा है तो इसको मैं मूव भी कर सकता हूँ। उसके लिए आपको कुछ नहीं, बस मोड ऑन टाइप करना है। मोड ऑन आप जैसे ही टाइप करोगे उसके बाद आपको अपने कैरेक्टर पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको कहीं भी सेट कर सकते हो, जैसे कि मैं कहीं भी सेट कर सकता हूँ इसको। और गाइस अब आपको यहाँ पर फिक्स इसको सेट करना है, तो यहाँ पर आपको मोड ऑफ कर देना है। तो यहाँ पर मोड ऑफ टाइप का आपको कर देना है और आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पर ये कुछ सेव हो चुका है। और गैस अगर आप यहाँ पर इसको आसानी से यहाँ पर इसके ऊपर से कार्स वगैरह भी निकाल सकते हो। हाँ तो गैस जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप ऐसे कोई सी भी चीज़ को स्पॉन करवा सकते हो और उसको कहीं भी सेट कर सकते हो, यानी कि आप अपनी सिटी बिल्ड कर सकते हो एक तरीके से, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। हाँ तो यहाँ पर आपको बहुत सारे चीट कोड देखने को मिलते हैं, और उसके अलावा अपडेट आएगा जैसे ही आपको और भी चीट कोड देखने को मिलेंगे फ्यूचर में। हाँ तो ये कुछ मैंने आपको यूज़ करना बता दिया है। उसके अलावा गाइज अपने गेम के अंदर न्यू वाले अपडेट के कुछ व्हीकल्स भी आए हैं, तो उनका भी मैं आपको चीट कोड बता देता हूँ। तो मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर बताया पर एक बार और बता देता हूँ मैं। तो न्यू वाले अपडेट के भी मैं आपको चीट कोड बता देता हूँ। तो गाइज पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने बताया पर एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली आपको मोबाइल निकालना है और उसके अंदर एक्टिवेट करना है 400, तो आपको कुछ 400 एक्टिवेट करना है। अबे मैं 600 क्यों एक्टिवेट कर रहा हूँ। हाँ तो वैसे आपको 400 एक्टिवेट कर लेना है, उसके बाद आपको न्यू वाली बाइक देखने को मिल जाएगी, और 12-10 एक्टिवेट करने पर न्यू वाली KTM। और गाइस अपने गेम के अंदर निसान GTR भी ऐड हो चुकी है, तो 3005 एक्टिवेट करने पर निसान GTR भी मिल जाएगी। हाँ तो गाइस यही कुछ चीट कोड्स वगैरह थे जो कि गेम के अंदर आए हैं, तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।